देखो तुमसे होता है, ठीक है, एक पार्टिकल है सर्कल में चल रहा है यार, ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कल ऑफ मास m, ठीक है, इट इज हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस r विथ यूनिफॉर्म स्पीड व्हेन इट मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू डायमेट्रिकली अपोजिट इट्स। अब समझो, अगर एक पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है और इस पॉइंट से चला था, ए पॉइंट से चला था और दोबारा डायमेट्रिकली अपोजिट बी पर आ गया, यहां से चला था और डायमेट्रिकली अपोजिट यहां पर है, ठीक है, यहां से चला था, उसकी स्पीड जो है, उसकी स्पीड वी जो है, स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है, वेलोसिटी तो हमेशा वेरिएबल होती है, तो काइनेटिक एनर्जी चेंज, क्या काइनेटिक एनर्जी बदलेगी? भैया जब स्पीड कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी कभी बदल ही नहीं सकती, ये गलत है। मोमेंटम डज नॉट चेंज, भाई जब वेलोसिटी हर पॉइंट पे वेरिएबल है तो मोमेंटम तो बदलेगा ना, ये भी गलत है। काइनेटिक एनर्जी चेंज, काइनेटिक एनर्जी कभी चेंज ही नहीं हो सकती, मतलब थर्ड ऑप्शन सही है, रिडक्शन मेथड इसको बोलते हैं, रिड्यूस, ऑप्शन रिड्यूस कर दो, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम टू एम बी, ऑब्वियसली यहां पर मोमेंटम यहां होगा एम बी होगा और यहां पर मोमेंटम इधर होगा जो कि एम बी होगा, तो चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालते हैं? चेंज इन मोमेंटम निकालते हैं फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। अब अगर इसको वेक्टर में करना चाहते हो तो फाइनल मोमेंटम एम बी आई कैप और इनिशियल मोमेंटम माइनस साइन माइनस एम बी आई कैप, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस टू एम बी आई कैप, दैट इज द चेंज इन मोमेंटम इन वेक्टर फॉर्म। तो मैग्नीट्यूड में कितना आ जाएगा यार, मैग्नीट्यूड में आ जाएगा टू एम बी, ठीक है, मतलब सी ऑप्शन सही है, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन का, तो हाउ मच वाटर पंप